सिस्टर निशा की टेस्टिमनी है ये। आप इन्हीं इन्हीं को माइक दो, आप अपना नाम बताओ, अपने कहां से आए। मेरा नाम निशा है, मैं अमृतसर से आई हूं। मैं अपने जीवन की बड़ी बड़ी गवाही देने जा रही हूं कि मेरे परमेश्वर ने मेरे अद्भुत जीवन च काम किया। मैंने दुष्ट आत्मा के अटैक होंदे सी मेरी लाइफ च, मेरी मैरिज च। मेरी मैरिज च 2003 च मेरी मैरिज हुई। मैरिज होने तो बाद मेरे सोरा साहब की डैथ हो गई, मतलब कि 2006 च। उस तो बाद क्यों डेथ हुई उनकी, कैसे हुई? सोरा साहब तांत्रिक दा काम करदे सी। वो तांत्रिक थे? हाँ जी। आप खुल के बताओ, वो तांत्रिक थे और तांत्रिक लोग उनके पास आते थे? हाँ जी। लेकिन आपकी खुद की पूरी फैमिली के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे? हाँ जी। आपके हस्बैंड पर अटैक होते थे? हाँ जी। आपके फादर इन लॉ, आप पर, सब पर अटैक होते थे? हाँ जी। हाँ जी। आपकी बॉडी पर निशान रहते थे आपने कहा? हाँ जी। और आप आग लगाकर और ट्रेन ट्रैक के आगे आकर सुसाइड करना चाहते थे? हाँ जी। आपके हस्बैंड को ऐसा लगता था कि कोई उनका गला दबाता है, उनकी सांस रुकती थी? हाँ जी। क्या हुआ मैरिज के बाद? मैरिज तो बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। वो घरों अपने काम कार तो गए सी, मतलब ऐसे ही दुष्ट आत्मा वालों ही। पहले आपके ससुर जी की डेथ हुई? हाँ जी। फिर आपके हस्बैंड की डेथ हुई? हाँ जी। 2 साल के अंदर अंदर आपके ससुर और आपके हस्बैंड दोनों की डेथ हो गई? हाँ जी। फिर आपने दूसरी शादी की? हाँ जी। उस तो बाद सेम यही स्पिरिट मेरी लाइफ च फिर काम किया। दूसरी बार भी फिर फादर साहब की मेरी डेथ हो गई, मेरे सोरा साहब की। उस तो बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। सुनो ध्यान से, आपने जब पहली मैरिज की, आपके जो इन लॉ थे, आपके जो ससुर जी थे, वो तांत्रिक थे। हाँ जी। उनकी डेथ हो गई अटैक, दुष्ट आत्माओं के अटैक की वजह से। हाँ जी। और उसी अटैक से आपकी हस्बैंड की डेथ हुई। हाँ जी। फिर आपने दूसरी शादी की। हाँ जी। दूसरी शादी जब आपकी हुई तो आपके उसी अटैक ने आपको फॉलो किया। हाँ जी। आपके उसी तरह आपके ससुर की भी डेथ हो गई। हाँ जी। और आपके हस्बैंड की फिर डेथ हो गई। हाँ जी। मतलब आपके सेकेंड मैरिज में भी आपके ससुर और आपके हस्बैंड दोनों की डेथ हो गई। हाँ जी। ये बेटा किसके मैरिज के, पहली के दूसरी मैरिज? दूसरी। दूसरी मैरिज से क्या हुआ फिर? उसके बाद मेरे हस्बैंड को, आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई थी? टीबी की प्रॉब्लम थी ब्रेन। ओके। आपके ससुर की कैसे हुई? मतलब कि वैसे कार विच डिग गए सी, उन्होंने मतलब हड्डी फ्रैक्चर हो गई सी। ओके। जो आपके आपके हस्बैंड थे सेकंड वाले, हाँ जी, उनको टीबी हुई। हाँ जी। और उस टीबी से क्या हुआ, क्या हुआ टीबी होने के बाद उनको? टीबी होने तो पता नहीं, सारे अचानक ही पता लगा। उस वैसे तो कुछ नहीं उन्होंने हैगा, कुछ नहीं सी उन्होंने हैगा, मतलब कि कोई बीमारी नहीं सी हैगी, मौके ते ही डेथ बस होगी। मतलब दुष्ट आत्मा ने अपना काम किया, मौके में मालूम हुआ कि टीबी भी थी। हाँ जी। मेडिसिन खाई। हाँ जी। और कोई असर नहीं हुआ, मर गए वो। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे बेटे तो ठीक, साल बाद फिर नहीं, मेरे बेटे का पेट खुल गया। आपकी लाइफ में सिर्फ आपका बेटा रह गया था? मेरी बेटी और बेटा। और बेटी और बेटा, बाकी सारा परिवार आपका ये 2 बार फिनिश हो चुका था। हाँ जी। और जो सेम आपके हस्बैंड को टीबी हुई थी, वो सेम आपके बेटे को हो गई? हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? इसके पेट में टीबी की प्रॉब्लम हुई, असी आंडिया मतलब लागू लागू दवाई बड़ी ट्रीटमेंट करवाया लागू लागू, पर डॉक्टर कहते भी तुसी वड्डे डॉक्टर तो लै जाओ, साढ़े हाथ वास कुछ नहीं गा। असी लै गए उत्ते, डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट किए, उन्होंने टेस्टा च कुछ नहीं सी आता। जिदा ही असी खून भी बड़ा घट सी, खून चढ़ाया, जिदा ही खून चढ़ाई दे सवेरे खून बड़ा घटिया होंदा सी, डॉक्टर आप हैरान होंदे सी कि असी खून हजे राती चढ़ाया इदां किदां हो गया। अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम हो, वो तो मेडिकल लाइन में आ जाएगी, MRI पकड़ लेगी, स्कैनिंग मशीन पकड़ लेगी। और मैं आपको बताता हूँ, वो भी परमेश्वर ने बनाई है, मत सोचो वो शैतान ने बनाई। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन अगर शैतान आपकी लाइफ में अगर काम कर रहा है, तो ये चीजें कभी पकड़ में भी नहीं आएंगी। अच्छा, जब आपने अपने हस्बैंड को देखा होगा किस तरह से वो बीमार हुए, है ना? हाँ जी। सेकंड वाले हस्बैंड को किस तरह टीबी हुई, पतले हुए, सूख गए, फिर मर गए, है ना?
आपके बेटे को भी सेम जब टेस्ट कराए तो टेस्ट में कुछ नहीं आया, बाद में मालूम हुआ टीबी है और आपने देखा कि 25 बार ये टॉयलेट जाता था रोज। हाँ जी हाँ जी। और किस बेटा दिख रहा है इसका? ओके स्क्रीन पे, हाँ फुल दिखाओ इसको। आपने लिखा कि 20 आपको डिप्रेशन में आप चले गए उसके बाद। हाँ जी, मैं सोचने लगी कि मेरे नाल इदा क्यों हुंदा पिया वा, मैं इतनी परेशान रहने लग गई, कल्ली सोचदी रही मेरा काम कर करनु कुछ नहीं दिल नहीं करदा सी। क्या काम करते थे आप? मेरा खुद अपना पार्लर है घर विच, सोरे फैमिली च। ओके क्या हुआ फिर? मेरे घर दे काम कस्टमर आंदे सी, मैं वापस भेज देनी सी कि मेरा दिल नहीं करदा मेरा काम करनु, मैं टूट चुकी सी बिल्कुल ही अंदरों। आपने लिखा आपने लाखों रुपया लगाया, कोई जगह ही नहीं छोड़ी, कोई हाँ डॉक्टर नहीं छोड़ा। हाँ जी। और एंड में आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको कैंसर भी हो सकता है। हाँ जी। ओके, जब आपके बेटे की लास्ट पोजीशन थी, उस वीडियो को हम देखेंगे एक मिनट में, और आप बेटे पे पूरा जूम करके इसका इसका पूरा दिखाओ तो अब कैसे इसकी वीडियो देखेंगे वो। जब ये सुनो मेरी बात, मैरिज हुई, तांत्रिक का काम करते थे कौन? ससुर जी, उनकी डेथ हो गई, हस्बैंड की डेथ हो गई। सेकंड मैरिज सेम अटैक फिर होने लग गए, ससुर की डेथ हो गई, बंदे पे अटैक होने शुरू हो गए, बाद में मालूम पड़ा जी तो टीबी है जी, फलाना डिमकाना है जी, जो भी होता है। उसके बाद एकदम से उसकी डेथ हो गई। अब सेम अटैक, जो एक ही मेल चाइल्ड बचा है, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? नर बच्चा एक ही परिवार में बचा है, अभी नर एक ही बचा है, लड़का एक ही बचा है, जेंट्स एक ही बचा है। अब उस पर टीबी हो गई, डॉक्टर के पास गए, पहले कुछ समझ नहीं आया, कुछ आया नहीं, बाद में मालूम हुआ टीबी है, बाद में डॉक्टर ने बोल दिया कैंसर भी हो सकता है। और उस टाइम की वीडियो उसकी हम स्क्रीन पे देखेंगे, उस टाइम की। सुनो सुनो देखो, हाँ हाँ देखेंगे अभी वीडियो को। ये आपने हॉस्पिटल में बनाई थी? हाँ जी। कहाँ है कैमरा? नहीं, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ये आपने किस हॉस्पिटल में बनाई थी? प्राइवेट हॉस्पिटल। कौन बात कर रहा है? मेरे को नजर नहीं आ रहा स्क्रीन में, मैं स्क्रीन में देख रहा हूँ कौन बात कर रहा है मैं। हाँ, आपने कहा किस हॉस्पिटल में बनाई थी? प्राइवेट हॉस्पिटल पचरिसा होटल हॉस्पिटल। ओके, जलंधर में है? अमृतसर। अमृतसर में, अच्छा आप अमृतसर से, ठीक है। ओके, आपने सुनो मेरी बात, एक एक व्यक्ति का सुनना, ओके आके सुनना कि तांत्रिक थे, ससुर मर गए, अच्छा ठीक है, इत्तेफाक से कोई भी मर सकता है, अच्छा उसके बाद हस्बैंड मर गए, ठीक है बैड लक हो गया, हस्बैंड मर गए, उसके बाद सेकंड मैरिज, जैसे मैरिज हुई सेम अटैक, फिर ससुर मर गए, अच्छा ये इत्तेफाक हो सकता है, अच्छा फिर हस्बैंड मर गए, क्या ये भी इत्तेफाक हो, अच्छा फिर सेम प्रॉब्लम बेबी को हो गई, और जब बेबी सूख गया टेस्ट करवा करवा के जब, और बाद में मालूम होता है कोई बोलता है टीबी है, डॉक्टर बोलता है कैंसर भी हो सकता है। उसकी वीडियो दोबारा देखेंगे फुल स्क्रीन पे। इसके जो बाजू हैं ये उंगली उंगली के बराबर हो गए थे तब। हाँ जी। और आपको ये देख के डर लगता था इसलिए आप रोते थे और डिप्रेशन में चले गए थे। मैं सोचती कि इन्हें पता नहीं बचना कि नहीं, जिस तरह मैं डॉक्टर कहते मेनू ले जाओ घर, एरा कोई हालात नहीं कि बचन दे, मेनु पर विश्वास ही कि मैं परमेश्वर दे। आप 2019 से फिर चर्च में आए, खामरा चर्च में? हाँ जी। 2019 से? हाँ जी। हाँ जी। सुनो सुनो मेरी बात, मैं कल जब मीटिंग में आ रहा था, मैं नाइट प्रेयर में रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे बताया, मैं पहली बार ऐसा विजन मैंने देखा, परमेश्वर मुझे दिखाया जो ऑयल आप पे लगता है इंडिविजुअली, उसे मैं प्रेयर अकेले अकेली बॉटल पे प्रेयर करता हूं, अगर मैं अगर वो ऑयल आप पे आ रहा है ना, आप समझो मैं आप पे ले हैंड कर रहा हूं। सुनो, और मैंने देखा परमेश्वर ने कहा कि आज से मैं इस ऑयल में फायर मिलाता हूं, और सुनो मेरी बात, आज जब आप पे ऑयल लगेगा वो फायर भी होगी, वो हीलिंग भी होगी, और सुनो हर वो चीज जो मुर्दा है, मैं नहीं जानता वो क्या है, वो आपका फैमिली मेंबर है, आपकी लाइफ है, आपका फाइनेंस है, वो जी उठेगी आज इस अनॉइंटिंग के द्वारा, अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया।
यहां सुनो एक बात है, सुनना सुनना, किसी का हस्बैंड मर गया, ससुर मर गया, फिर ससुर मर गया, फिर हस्बैंड मर गया, ये एक है सुनना, एक है खुद पे बीतना। जमीन और पताल का फर्क है, आसमान जमीन का नहीं। एक व्यक्ति की डेथ हो जाए ना परिवार में तो लोग सदमे में चले जाते हैं, और इमेजिन करो वो लेडी पे क्या बीत रही होगी, पता नहीं। आपने फिर बहुत सारी बातें तो सुनी होंगी, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस घर में जा रहे हो वहां हस्बैंड मर रहा है। हाँ सारे कहते ही अरे पैर कलैने कलैने, मैं वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर से वो आवाज आ रही कि कलैने बोल रहे हैं इसको, कि पैर ही कलैने, जिथे जाएगी हस्बैंड मरेगा, ससुर मरेगा, और अब एक ही बेटा है वो भी सेम प्रॉब्लम हो चुकी। और इमेजिन करो एक माँ जो चार डेथ देख चुकी है और एक ही नर चाइल्ड रह गया, मेल चाइल्ड रह गया, और वो सामने बैठा और वो उसकी वीडियो बना रही है ये सोच के कि अगर ये मर गया तो मेरे पास इसकी एक याद होगी। हाँ कि अगर ये मर गया तो मैं एक मेरी याद होगी एक कि मेरा बेबी ऐसा था। और इमेजिन करो परमेश्वर पे विश्वास रखना, 19 में चर्च आना, रिसीव करना प्रेयर को, और जैसे ही प्रेयर को रिसीव करना बाय फेथ, इन्होंने लिखा कि एक दिन मैं आप प्रेयर कर रहे थे थर्सडे ऑनलाइन, और मैं जब कमांड कर रहा था तो इन्होंने कहा कि मैंने उसको, मैंने कहा ये आपके परिवार का हिस्सा है, तो इन्होंने कहा मैंने फेथ किया, और मैं उस दिन से फील करने लगी कि बाय फेथ जब मैंने रिसीव किया मेरा बेबी ठीक होना शुरू हो गया। बेबी को लेके आना, अकेले बेबी को आजा बेबी, तरा आके जरा मेरे हाई जी ने दिती है यीशु ओ दाना, मेरे हाई जी ने दिती है यीशु ओ दाना, मेरे हाई जी ने दिती है यीशु ओ दाना, मेरे हाई जी ने दिती है यीशु ओ दाना, मेरे हाई जी ने दिती है यीशु ओ दाना, मेरे हाई जी ने दिती है यीशु ओ दाना, बैठ जाओ यीशु ओ दाना, बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी गवाही देखनी है ना, ये देखो मेरे साथ चल रही गवाही, फेस दिखाओ का केस का, इसका फेस दिखाओ, वो हेल्थी फेस दिखाओ। और इसके पहले की वीडियो देखेंगे फिर से, इसकी इसकी जो आवाज करना है वीडियो की, तुसी खाई जो उन्हें खानी दिया वो सेठ के जैसे चल रहा है, सेठ के जैसे पेट निकाल के चलते ना सेठ, वो सेठ के जैसे चल रहा है। कौन कहता कहता मैं सुख गया ही कहना तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। और सुना मेरी बात, अभी तो ये ब्लेसिंग की शुरुआत है इस औरत के लिए, इस बहन के लिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये भूल जाओ अपने लाइफ में मरते दम तक जब तक यीशु मसीह नहीं आते, अभी ये कभी ये बैड लक देख लेगी भूल जाओ, भूल जाओ, मैंने कहा भूल जाओ, मैंने कहा जब तक ये औरत इस धरती पर रहेगी प्रभु के आने तक, मैंने कहा भूल जाओ कभी बैड लक को देख भी लेगी ऐसे आंखों से। मैं आपको बता रहा हूं वो खत्म हो गया, वो पीरियड, वो रोने का, वो कल्याणी सुनने का, अब भाग्यशाली सुनने का टाइम आ चुका है। और या आमीन आपका ऊंचा तो ये सेम टेस्टिमनी है भाग्यशाली होने की आपकी। हालेलुया। इमेजिन करो मैं इन लोगों को जानता नहीं हूं, मान लो मैं तो प्रेयर कर रहा हूं, लेकिन एक बंदा रिसीव कर रहा है बाय फेथ, मुझसे मिलने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना। हाँ मैंने कहा अगर आप मुझे सुन सकते हैं अच्छी तरह से, आपको मुझे मिलने की जरूरत नहीं।